भौतिक दृष्टि से पूरे शहर का मालिक, 800 से ज्यादा कृति का रचयिता, चित्त विरोध के लिए सक्रिय ध्यान के आविष्कारक, करोड़ों के गुरु ओशो रजनीश को आपने कल बेचारा कहा। क्या करें, जो बेचारा है उसे बेचारा ही कहेंगे ना। बहुत समझदार व्यक्ति, बर्मा से आते ही 15 दिन के भीतर भीतर उसके साथ भेंट हुई, क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे मित्र सेठ गोविंद दास, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे और बर्मा बार बार आते थे, तो हमारा उससे अच्छा संबंध था। उनका पुत्र, उसका देहांत हो गया तो बहुत दुखी हुए, विपश्यना में आ नहीं सकते थे बर्मा, तो इनके एक शिविर में गए, 3 दिन के शिविर में गए, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो हमें चिट्ठी लिखी कि भाई मैं एक शिविर में गया, ऐसा एक रजनीश नाम का व्यक्ति है, हमें वहाँ कुछ नहीं मिला, बोलता बहुत अच्छा है, उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन कोई टेक्निक उसके पास ऐसी है नहीं जो मन को शांति दे सके। भाग्य से मैं जिस वक्त मद्रास था, उसी वक्त ये व्यक्ति भी मद्रास आया हुआ था, और जिसके घर में ठहरा था उसके घर का एक व्यक्ति बर्मा रहने वाला था, और इसलिए उसका बर्मा से मेरा संबंध था, तो उसने चर्चा की उनसे कि बर्मा से हमारा मित्र आया है जो वहां से विपश्यना की विधि लेकर आया है, और इस विधि को अब वो सिखाने के लिए यहाँ शिविर लगाना शुरू किया, उसने बहुत आतुर हुआ, उसे बुलाओ हम मिलेंगे। तो मैं भेंट हुई उनसे, बातचीत हुई, तो आनापान कैसे किया जाता है ये सारी बात समझाई, विपश्यना क्या होती है ये समझाया। उसके पहले भारत में विपश्यना शब्द तक नहीं था, कोई जानता तक नहीं था। बात शुरू की, 4 तरह की विपश्यना की बात की, तो एक तरह की आनापान की 4 तरह की बात की, तो एक तरह का आनापान बर्मा में ऐसा चलता है, सांस बहुत तेज लो, बहुत तेज लो, और इतना तेज लो कि थक जाओ, इतना थका लो अपने आप को जोर से भस्त्रिका के प्राणायाम करते करते, और फिर कहो लेट जाओ तो बड़ी शांति मिलेगी। अरे इतना थका लिया शांति मिलेगी, ये कैसी शांति। तो कहता बस यही ठीक है, ये बहुत ठीक है, और उसके दूसरे दिन शुरू कर दिया। तो भाई इतना समझदार आदमी होकर के भी सारी बात समझता है, फिर अपने आदमी भेजता है, 2 भेजता है, 4 भेजता है, 10 भेजता है, जाके विपश्यना सीखो। हमको मैसेज भेजता है उनके जरिए कि इनको विपश्यना सिखाओ। हम कहते हैं हमारे यहाँ नियम है, उन नियमों का पालन करेंगे तो सिखाएंगे। अच्छा, नियम का पालन करेंगे, ये गले में माला लगाते हो हम नहीं लगाने देंगे। अच्छा, माला भी निकालो, उनको हुक्म दिया जो जाते हो वहां पर जैसे गोविंद का कहता है वैसे ही करो। हमने कहा जब तक पक नहीं जाओ सिखाने का काम नहीं करना, पर उनको जल्दी थी, अपने डिपार्टमेंट स्टोर में एक काउंटर विपश्यना का भी खोलना था तो खोल दिया, बिना ही समझे हुए कि विपश्यना किन गहराइयों में ले जाती है, कैसे ले जाती है, अपना अनुभव नहीं है, गलत बात हुई। तो इसलिए बेचारा कहते हैं कि इतनी बड़ी धर्म की, मुक्ति की, विद्या के समीप पहुंच करके भी, और उसने स्वयं नहीं सीखा और लोगों को सिखाने के लिए सही विद्या उसने नहीं ग्रहण की, तो बेचारा ही है ना, और क्या है।